हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी, जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है, ठीक, अध्याय 2 यानी अल्कोहल फिनाल इथर, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है ये बता देंगे हम आपको पहले ही, इसको लेकिन हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल में हम पढ़ क्या रहे हैं, अल्कोहल में हमको दो चीज पढ़ना है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया है, उसके कितने रिएक्शंस होते हैं सब उसको एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक। उसको देखने के बाद उसके बाद आता है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जैसा कि एथिल अल्कोहल के बारे में हमने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, तो ये पार्ट 3रा है, मतलब ये भाग 3 है, समझ रहे हैं, एथिल अल्कोहल का। तो इसमें हम आपको रासायनिक गुण जो बचा है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ रिएक्शंस हैं हम उसको आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ, और इसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको खोलकर दिखाने वाले हैं रिएक्शन को, ठीक है। तो चलिए इसके पिछले वाले वीडियो में 5 रिएक्शंस बता दिए थे, 5 रासायनिक गुण बता दिए थे। अब हम इसके अगले वीडियो में एक पार्ट और जाएगा, उसके बाद हम पूरी तरह से इसके रिएक्शन को कवर कर लेंगे, यानी रासायनिक गुण को कवर कर लेंगे। और भौतिक गुण के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, PCl5 से क्रिया। अब बात आती है PCl5 को कहते क्या है, समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन उठेगा आपके मन में, लिख तो दिए PCl5 से क्रिया, तो PCl5 होता क्या है, तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें इसका नाम मिल जाएगा। तो चलिए क्या होगा, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल जानते हैं आप, चलिए नहीं जानते तो चलिए देख लीजिए, C2H5OH यही है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, यही है PCl5, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ही कहते हैं PCl5 से क्रिया कराई जाती है, तो एथिल क्लोराइड बनता है, समझ रहे हैं। अब कैसे बनता है, चलिए हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए तो प्लस हो जाएगा PCl5, ये क्या हो गया, मार्क ऑफ रिएक्शंस। चलिए आगे समझते हैं, अब देखिए हम रिएक्शन आपको कैसे करके दिखाने वाले हैं, एकदम चुटकी में करके दिखाएंगे, आपको बिल्कुल कहीं डाउट नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखिएगा। अब तो पहले हम क्या करेंगे, ये एच दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, यहां से एच को ले लेंगे, यहां सीएल कितना है, 5 ठो है, हाँ, तो एक सीएल ले लेंगे हम, ले लेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे, एच सीएल निकाल देंगे, तो हो जाएगा एच सी एल, निकल गया। अब देखिए यहां से एच गायब हो गया, यहां सीएल कितना बचा, 4 बचा, 5 ठो था तो एक निकल गया, यहां पे 4 ठो बचा है। अब क्या निकालेंगे, अब उसको समझिए, प्लस, अब हो जाएगा आपका ये पी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, तो इसको लिखेंगे पी, यहां ओ है तो ओ लिख लेंगे पीओ, सीएल कितना है, 4 ठो है, समझ रहे हैं आप, सीएल कितना है, 4 ठो है। तो अब हम यहां से सीएल कितना लेंगे, 3 ठो ले लेंगे, पीओ सीएल 3, ये बन गया आपका। अब देखिए क्या होगा, प्लस या सीएल निकल गया, पीओ सीएल 3 निकल गया, अब बचा क्या है, हम इसका नाम आपको अभी डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे, उससे जल्दीबाजी मत रहिएगा आप, ठीक है। अब पहले बन क्या रहा है उसको देखिए, पी हो गया, ओ हो गया, सीएल यहाँ 4 ठो था तो 3 ठो यहां ले लिए, 1 ठो यहां ले लिए, तो 4 ठो कम्प्लीट हो गया, बचा सीएल 1 ठो, बचा 1 ठो, तो उसको हम C2H5 के साथ एड कर देंगे, मतलब यहां लिख देंगे, यहां तो जगह नहीं है, चलिए यहां लिख देते हैं, हो जाएगा C2H5Cl, ठीक। यहां बात हो रही थी, यहां देखिए एथिल क्लोराइड बनता है, तो यही तो है एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। चलिए
तो ये हो गया एथिल क्लोराइड, और ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक। ये क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए हम यहां भी लिख देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक। ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया, और ये इसका नाम हो गया, इसका नाम आपको पता नहीं चला, समझ रहे हैं। तो चलिए हम इसको बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक। रिएक्शन आपको समझ में आ गया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसके पार्ट बाई पार्ट को खोल के बनाए, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो अगला रिएक्शन देखते हैं हम, अगला रिएक्शन क्या है SOCl2 से क्रिया। फिर बात आएगी आपके दिमाग में SOCl2 होता क्या है, तो पहले इसको पढ़ेंगे। तो देखिए जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से कराते हैं, इसे क्या कहते हैं थायोनील क्लोराइड कहते हैं, ठीक, क्लोराइड से कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड बनता है, फिर एथिल क्लोराइड बनेगा, कैसे बनेगा ये रिएक्शन समझिएगा आप। तो चलिए देखते हैं, हो जाएगा पहले हम लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा C2H5, ठीक, एथिल एल्कोहल, ये हो गया, तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एथिल, ये हो गया एथिल एल्कोहल, ठीक। क्रिया किससे कराएंगे SOCl2 से, तो इधर करा देंगे, हो जाएगा SOCl2, समझ रहे हैं आप। तो देखिए क्या बनेगा, पहले ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम करेंगे क्या, यसो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, और एक को ओ यहां है, समझ रहे हैं, यस यहां पे, ओ एक को यहां पे, ओ यहां पे, ओ कितना हुआ दो हो गया। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले यसो टू निकाल देते हैं, जो निकल रहा है पहले उसको निकाल के हटा दो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, ये यस ओ निकल गया, यसो निकल गया यहां से। अब बचा क्या है, सी टू एच फाइव बचा है, ठीक, और यहां एक एच बचा है, और यहां सीएल टू बचा है, ठीक, समझ रहे हैं आप। अब चलिए देखिए क्या होगा, इस यच के साथ एक को सीएल और निकाल देते हैं, तो क्या चला जाएगा यच सीएल। अब सीएल तो था भैया तीन दो ठो, निकल गया एक को, बचा कितना, बच गया एक को सीएल बच गया, और इधर बचा है सी टू एच फाइव, यहां सीएल एक को बचा है, तो उसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा सी टू एच फाइव सीएल, ठीक, हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, ये क्या है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया हाइड्रो, ये नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, और ये क्या हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक, समझ में आ रिएक्शन आपको। चलिए अब इसका नाम भी बता दिए, अब चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, तीसरा रिएक्शन क्या है इसमें, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए तीसरा रिएक्शन क्या है, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया मतलब NH3 से, ठीक, इसको क्या कहते हैं अमोनिया कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं क्या होगा, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, ठीक, CU यानी कॉपर की उपस्थिति में अमोनिया से कराई जाती है तो एथिल एमीन बनता है, ठीक। अब कैसे बनता है, अब ये रिएक्शन समझिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले एथिल एल्कोहल की क्रिया, तो एथिल एल्कोहल लिख लेते हैं C2H5OH, ठीक, ये क्या हो गया एथिल, एथिल एल्कोहल हो गया, अब प्लस किससे होगी अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3, उपस्थिति किसकी होगी CU मतलब कॉपर की, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, हो गया, तो देखिए यहां H कितना है तीन ठो है, ध्यान दीजिएगा तीन ठो यहां H है, एक को यहां H है, ठीक, तो H कितना हुआ चार हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए
पहले हम H2O निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ H तीन ठो है तो एक को ले लेते हैं, ठीक। एक H यहाँ से ले लेंगे और एक H यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और O है तो O को निकाल देंगे बाहर, तो H2O निकल गया। अब बचा क्या, C2H5, इसको लिख लेते हैं C2H5, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, NH3 है, तो एक को हमने निकाल दिया था H, तो बचा कितना, 2, तो NH2 हो जाएगा, 2, ठीक हो गया। तो इसको कहेंगे, अब इसका नाम कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन, जो हमको बनाना था, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन, हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और इसका तो आप जानते ही हैं, अमोनिया। समझ में आ गया आपको, चलिए। तो अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं कि दूसरा चौथा रिएक्शन क्या है। तो ये चौथा देखिए, दहन मतलब कंबशन, इसका एथिल अल्कोहल का दहन कराएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो इसको हम करके दिखा देते हैं। एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, इसको समझिए पहले। तो पहले ले लेते हैं क्या, एथिल अल्कोहल, तो हो जाएगा C2H5OH, ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक, ये हो गया एथिल अल्कोहल, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए क्या कर रहा है, प्लस दहन हो रहा है, ठीक। तो इसको इसका दहन करा देंगे, मतलब 3O2 से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे क्रिया होगा तो क्या बनेगा, पहले ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसमें से क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे, तो H2O निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ कितना O है, 6 O है, ठीक। यहाँ कितना है, 1 यहाँ पे, मतलब O कितना है, 7 है, ध्यान दीजिएगा, O 7 है। अब H कितना है, ये देखते हैं, 1H यहाँ पे है, 1H यहाँ, मतलब 5 यहाँ पे, 1H, H कितना है, 6 है, ठीक है, तो कितना है, 6 H है। तो अब बताइए कि हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम H2 निकालते हैं, तो H कितना लेंगे, कितना H निकालेंगे, 6 है, तो 3H2O निकाल देंगे, H कितना था, 6 ठीक, तो H गायब हो गया, समझ रहे हैं। अब क्या बच्चा, ध्यान से देखिएगा, तो H पूरा निकल गया है, 6 O कितना निकल गया, 3 अभी O कितना बचा है, 3 × 6 O था, तो O कितना था, 1 यहाँ भी था, ठीक। इसको ध्यान देंगे पहले, तो पहले ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ O कितना बचा है, 3 तो निकल गया, 4 बचा है, ठीक, समझ रहे हैं आप। चलिए तो अब क्या निकालते हैं, देखिए C है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, C हो गया, ठीक। अब देखिए O कितना है, ये है 1, और यहाँ पे कितना था, 3 तो निकल गया, 4 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा O2, ठीक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, यही हमको पाना था, बनाना था, ठीक है। तो अब देखिए पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं, H कितना है, 6 H पूरा है कंप्लीट इधर, ठीक, H 6 था, 6 H है। अब देखिए O कितना था, 2 × 4 4 × 3 7 O 7 था, तो 7 O हो गया, समझ रहे एकदम। चलिए और कार्बन कितना था, यहाँ 2 था, तो यहाँ भी 2 है, कंप्लीट है, तो दोनों तरफ का बराबर है, ठीक है, इसलिए रिएक्शन ये बिल्कुल सही है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो एक वीडियो हम आपको, अरे सॉरी, एक रिएक्शन हम आपको और बताते हैं, ठीक। तो चलिए उसको देखिए, पांचवा रिएक्शन क्या है, तो देखिए पांचवा क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी H2SO4 से, समझ रहे हैं। चलिए तो ये रिएक्शन थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा 2 स्टेप में होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ठीक, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक। तो दो चीज बनता है, एक को बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। तो चलिए अब हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए रिएक्शन को समझिए पहले। पहले तो हम लेंगे क्या, एथिल अल्कोहल, तो उसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
C2H5OH। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया एथिल ठीक एल्कोहल, ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब प्लस ध्यान से देखिए, क्रिया किससे करना है, H2SO4 हो गया। चलिए ताप कितना होगा, पहले तो ताप होगा देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप रहेगा ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा, पहले इसको देखिए यहां से H2 ले लिए ठीक, ये H2 लेके इस O के साथ बाहर कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा H2O, तो यहां से H2 गायब हो गया, यहां से O गायब हो गया। अब क्या बचा उसको देखिए, C2H5 बचा है, तो इसको हम लिख लेते हैं C2H5 ठीक। अब देखिए C2H5 हो गया, फिर H बचा है तो H यहां लिख देंगे ठीक, फिर यहां से H2 गायब है तो SO4 बचा है तो इसको लेंगे SO4 ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम लिख देंगे ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ठीक। तो ये हो गया इसका नाम, और ये क्या है ये तो जानते ही आप, इसका हो गया ये नाम हो गया इसका जल, और ये क्या है इसको देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक। रिएक्शन समझ में आ गया है आपको। चलिए अब हमको क्या बनाना था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पहले बन रहा था तो उसको हम बना के दिखा दिए, अब बन रहा है डाई एथिल ईथर, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो देखिए वो कैसे बनेगा, डाई एथिल ईथर कैसे बनेगा, चलिए उसको बना के दिखाते हैं आपको हम। तो ध्यान दीजिएगा जो अभी हमने बनाया था क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये चीज ये लेंगे और इसका क्रिया हम फिर किससे कराएंगे, H2SO4 से फिर करा देंगे ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा C2 दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए C2H5HSO4, ये क्या हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, समझ रहे हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब इसका हम क्रिया किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से, फिर से एथिल अल्कोहल से करा देंगे, ये जो बना है इसको एथिल अल्कोहल से फिर क्रिया करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं ठीक। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा C2H5OH ठीक, तो इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल ठीक, हो गया। अब देखिए इसका रिएक्शन कराएंगे हम, ताप कितना होगा, पहले तो कितना था 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा। तो ध्यान देखिएगा कैसे बनेगा, पहले ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप, तो देखिए पहले यहां क्या है C2H5 है और यहां क्या है C2H5, समझ रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, तो पहले जो हमको बनाना है पहले हम उसको ध्यान देते हैं। तो देखिए यहां क्या है C2H5O यहां पे है, एक खो यहां पे है, ध्यान से समझ रहे हैं आप। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए, पहले तो C2H5 तो लिख देंगे, C2H5 हम लिख दिए, एक और लिखना है तब ना डाई एथिल, थोड़ा एथिल कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, तो कैसे होगा उसको समझिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ OH है, तो O कितना है एक है, तो इस O को हम बीच में लिख देंगे, समझ रहे हैं, हो गया। अब लिख देंगे ये जो बचा है C2H5, इसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5 ठीक, समझ में आ रहा है, इतना लिख दिया हम। अब देखिए बचा क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर
ठीक, ये जो बनाना था आपका ये बन गया है। अब देखिए क्या बचा है, उसको प्लस करके हमको निकालना पड़ेगा। इधर जगह नहीं इसलिए हम इधर दिखा देते नीचे, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, समझिए ठीक। तो देखिए कैसे होगा, अब हम तो ये निकाल दिए यहाँ से ओ निकाल दिए, तो यच कितना बचा है, एक खो यच यहाँ पे बचा है और एक खो यच यहाँ बचा है, ठीक समझ रहे हैं। तो यच कितना हो गया, दो ठो हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम यच टू। अब जो यसो फोर है इसके साथ हम ऐड कर देंगे, मतलब लिख देंगे, तो हो जाएगा यसो फोर, यच टू यसो फोर, यानी इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक समझ में आया। तो ये हो गया इसका दोनों रिएक्शन, समझ रहे हैं। चलिए अगर आपको पूरा रिएक्शन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे मेन बात ये है कि आप लोग भूल जाते हो हमेशा, 7 से 8 के बीच में फिजिक्स का क्लास चलता है जो कि अनीश सर द्वारा चलाया जाता है, ठीक समझ रहे हैं। और 8 से 9 के बीच में केमिस्ट्री का क्लास चलता है, ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने समय पे आके अच्छे से तैयारी बोर्ड एग्जाम का कर सकते हैं, इसलिए बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है, आप आके कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टाइम पे नहीं आ पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर रेगुलर आके अपने टाइम पे समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका जो क्या होता है बेसिक जो है मजबूत रहेगा, तो आप अच्छा कर पाओगे तभी, ठीक है। चलिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें क्या होगा कि हम पूरी तरह से एथिल अल्कोहल को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, फिनॉल के बारे में, क्योंकि अल्कोहल तो खत्म हो जाएगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फिनॉल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ईथर पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है पहले ईथर पढ़ा के फिनॉल पढ़ाएं, ये दोनों में से एक टॉपिक को हम उसमें चूज करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू,